नमस्कार, प्रियत्री देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नेहा बाथम, मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल और श्वेता झा मौजूद हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत सीधे तौर पर राजस्थान के साथ करेंगे, क्योंकि वहां पर बवंडर की स्थिति अभी तक बनी हुई है। यहां गहलोत अपने विधायकों को साथ लेकर राजभवन पहुंच चुके हैं। हालात देखकर यही लग रहा है कि यहां लंबी सियासी लड़ाई चलने वाली है। श्वेता, बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले दो हफ्ते से चल रही सचिन बनाम गहलोत की जंग अब आखिर चरण में चलती हुई नजर आने लगी है। आज हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सीधे गहलोत पहुंचे होटल में अपने विधायकों के पास। राहत की बात सचिन पायलट के लिए जरूर थी, लेकिन अशोक गहलोत के लिए झटका था। यहां पहुंचने के बाद मीडिया के सामने बाकायदा विधायकों की अशोक गहलोत ने परेड कराई और राज्यपाल पर इशारों में ही सही, लेकिन केंद्र के इशारों पर काम करने का एक तरह से आरोप भी मीनाक्षी मढ़ दिया। और देखिए श्वेता, इस वक्त भी सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि राजस्थान विधानसभा में क्या होगा। गहलोत समर्थक सभी विधायक पहुंच चुके हैं। गहलोत की मांग यह है कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाए, जहां पर फ्लोर टेस्ट के जरिए वो बहुमत साबित कर सके और उनकी सरकार बच जाए। लेकिन इसके बावजूद आपको बड़ी खबर हम ये लगातार बता रहे हैं कि देखिए घटनाक्रम वहां तेजी से बदल रहे हैं। विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे अशोक गहलोत, चार बसों में सवार होकर विधायक भी पहुंचे। लेकिन अब बड़ी बात यह कि क्या विधायक जब अब फ्लोर टेस्ट से गुजरेंगे और सरकार को जब फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा, क्या अब उसी से फैसला होगा। गवर्नर अगर नहीं माने तो धरना, ये बात भी अशोक गहलोत कह चुके हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल लगातार ये उभर कर आ रहा है कि अभी तक की लड़ाई में अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था राजस्थान की सियासत में, लेकिन हाईकोर्ट से आज जो फैसला आया और एक तरह से फौरी राहत सचिन पायलट के लिए, उसके बाद से अशोक गहलोत को लगने लगा है कि अब उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लिहाजा वो अपने तमाम तरह के इंतजाम और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जयपुर में राजभवन के भीतर पहुंचे कांग्रेस के एमएलए। अब देखना ये होगा कि यहां से आगे क्या रहता है। समय मिलने के लिए मांगा था, 12:30 बजे का ये समय था, लेकिन अब राजभवन में कांग्रेस के विधायक भी पहुंच चुके हैं। अब ये देखना होगा कि राज्यपाल मिलते हैं तो क्या वहां पर होता है, क्या बात होती है। ग्राउंड से भी सीधा अपडेट हम लेंगे अपने संवाददाता से। शरद जुड़ गए हैं हमारे साथ। शरद, क्या अभी ताजा जानकारी वहां से मिल रही है? विधायक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात होगी, क्या हो सकता है आगे, सबको इस बात का इंतजार है। मीनाक्षी, जो तस्वीरें हमने आज तक पर भेजी हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सियासत में एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। देखिए कितना प्यार से कलराज मिश्र और अशोक गहलोत आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। कौन सोच सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरह से हमला बोला होगा अशोक गहलोत ने और कहा, राज्यपाल पर पक्षपात का आरोप लगाया होगा और कहा होगा कि जनता राजभवन घेर सकती है। फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरह की तस्वीरों को दिखाते रहें। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है जनतंत्र में, किस तरह से जो है पुलिस फोर्स है वो लगातार चारों तरफ लगी हुई है और संगीनों के साये में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बातचीत कर रहे हैं राज्यपाल से। फिलहाल जो अंदर से सूचना आई है, जो तस्वीरें आई है, उसमें विधायकों को हॉल में बैठाया गया है, वो चाय नाश्ता कर रहे हैं, बिस्किट, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अकेले राज्यपाल से बातचीत कर रहे हैं, कलराज मिश्र से, और वो बातचीत में समझा रहे हैं कि क्यों जरूरी है हमारे लिए विधानसभा का सत्र बुलाना। लेकिन राजभवन के सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने यह भी कह दिया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा चल रहा है, ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं को आपस में टकराना नहीं चाहिए। अभी आपके पास वक्त है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास शरद, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये वही राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, जिनके लिए थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि वो पक्षपात कर रहे हैं, वो खुद ही विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं कलराज मिश्र। हालांकि अब अशोक गहलोत से मिलते हुए, और कलराज मिश्र ने भी ये साफ किया था कि वो अकेले अशोक गहलोत से मिलना चाहते हैं, वो अपने साथ विधायकों को ना लाएं। लेकिन इस बीच विधायक भी अशोक गहलोत के साथ पहुंचे हैं, वो सभी राजभवन में ही बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर भीतर ये मुलाकात इस वक्त राज्यपाल कलराज मिश्र से अशोक गहलोत की। शरद, बहुत सारे सवाल यहां पर। पहला सवाल आपसे ये कि राज्यपाल पर आपने सीधे तौर पर निशाना साधा, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए, ये कहा कि वो केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से वो फ्लोर टेस्ट और साथ ही विधानसभा का सत्र नहीं कराना चाहते हैं। इन तमाम बातों के बीच अब ये फोटो अपॉर्चुनिटी चल रही है वहां पर। आगे आने वाले वक्त में क्या हम धरने वाली परिस्थिति भी देख पाएंगे अगर राज्यपाल ये फैसला लेते हैं कि हाँ विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा?
देखिए नेहा, उन्होंने कहा है कि मैं दबाव डालने के लिए अपने विधायकों को लेकर साथ जा रहा हूँ। इस सब ये बात उन्होंने बोली है अशोक गहलोत ने, और अशोक गहलोत ये 10 दिन में चौथी बार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अगर राज्यपाल इनकी बात नहीं मान रहे थे तो अब तक ये खामोश क्यों थे? अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने तीन बार मुलाकात करने के बाद भी कुछ नहीं बोला, और अब जाकर जब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो राज्यपाल पर इस तरह से सीधे सीधे हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच एक बार दिखाया है राज्यपाल के प्रति। कम से कम उनको अगर कल राज्यपाल ने मना किया था तो कल ही ये बात रखनी चाहिए था। उन्हें इंतजार करते रहे कि क्या पता हाईकोर्ट से हमें राहत मिल जाए तो राज्यपाल पर हमला बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। जब वो हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है तो कहीं ना कहीं खींच उन्होंने राज्यपाल पर उतारा है, लेकिन कुल मिलाकर राज्यपाल ने जब एक बार कह दिया है तो मुझे लगता नहीं कि विधानसभा का सत्र इतनी जल्दी बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए नेहा, अब जो भी फैसला होना है अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज ही विधानसभा अध्यक्ष वकील और अशोक गहलोत के वकील जो है वो जा रहे हैं, अंतरिम जो ऑर्डर हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ, और इसके बाद कहा जा रहा है कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कि जैसे ही राजभवन में मुलाकात खत्म होगी सीधे राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी बिल्कुल, तो यहाँ पर जाएंगे हम बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी एक स्ट्रैटेजी शरत यहां पर वो भले ही बना रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो है राजनीतिज्ञ के साथ साथ रणनीतिज्ञ भी बहुत बड़े हैं यहां पर, तो देखना होगा कि आगे राज्यपाल की तरफ से क्या फैसला आता है, उसके बाद अगला कदम क्या होगा। लेकिन इस पूरे पिक्चर में एक चीज भी और साफ हो गई है कि अभी तक जो अशोक गहलोत दम भरते रहे हैं कि उनके पास संख्या बल पूरा है, कहीं ना कहीं वो खुद भी इस बात को लेकर संशय में हैं या चिंतित हैं कि ये जो टाइम बाई अब हो गया है सचिन पायलट के लिए, इस बीच इनके विधायक कहीं दूसरे खेमे में ना चले जाए, और ये हड़बड़ी कहीं ना कहीं यही चीज साबित करती है। यही एक चिंता है, इनके पास 101 विधायक आ गए हैं। जब पहली बार ये राज्यपाल से मिलने आए थे जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, तब उस वक्त राज्यपाल से इन्होंने कहा, राज्यपाल ने पूछा था कि क्या आपके पास बहुमत है, तब इन्होंने कहा था मुझे 4 दिन का वक्त दीजिए। वो 4 दिन में इन्होंने क्या किया कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक जो लगातार वीडियो जारी कर रहे थे, पुलिस उन्हें जबरदस्ती घर में बंद कर रखा है, उनको होटल में ले गए, तो 2 तो ऐसे बढ़ गए। और इसके अलावा जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक है बलवान पुनिया, उनको तोड़ लिया, तो दूसरे दलों के 3 विधायकों को तोड़ने के बाद इनका इतना मनोबल ऊंचा उठा कि अब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम बहुमत साबित कर दें। अब कुल मिलाकर इनका ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अभी तक राज्यपाल से ये नहीं कहा कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं, इन्होंने कहा है कि हम सदन बुलाना चाहते हैं, सदन आहूत करना चाहते हैं, हम फ्लोर पर जाना चाहते हैं। फ्लोर पर बहुमत की बात राज्यपाल से नहीं कही है। अशोक गहलोत राजनीति के चतुर सुजान है और उन्होंने 40 साल तक तपा हुआ अनुभव है राजनीति का, इसलिए ये फूक फूक कर कदम रखते हैं, इसीलिए इन्होंने ये नहीं बोला है कि बहुमत साबित करना चाहते हैं। ये इनका एक ये माइंड गेम जो हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही राज्यपाल इस बात पर एग्री हो जाएंगे कि सदन आहूत की जाती है, वैसे ही वहां पर जो बैठे हैं सचिन पायलट गुट के विधायक उनके ऊपर एक मानसिक दबाव पड़ेगा और उनमें से कोई टूट के आ सकता है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम सदन को आहूत करना चाहते हैं। बिल्कुल, और देखिए सर जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि किस तरह से अभी बहुमत को लेकर कोई स्पष्ट तौर पर बयान फ्लोर टेस्ट को लेकर अशोक गहलोत ने नहीं दिया, और ये 2 तस्वीरें उसकी तरफ इशारा कर रही हैं। एक तरफ हमने आपको दिखाया कैसे विधायक जो है वो एक जगह पर इकट्ठा है पार्क जैसे एरिया में बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत मिल रहे हैं राज्यपाल से अकेले, विधायकों के साथ में ये मुलाकात नहीं हुई है, तो फ्लोर टेस्ट को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज का दिन पूरा सियासी गहमा गहमी से जुड़ा राजस्थान में पूरा बना रहा। आपको हम ये दिखाते हैं कि सुबह से लेकर अब तक राजस्थान में घटनाक्रम कितनी तेजी से बदला। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। बहुमत के दावों के बीच राजस्थान में सियासी संकट। हाईकोर्ट से पायलट को राहत, गहलोत को झटका। राजभवन से भी आया रेड सिग्नल।
होटल फेयरमोंट में गहलोत कैंप का चिंतन मनन। राजस्थान की सियासत में जबरदस्त उठापटक चल रही है, खासकर गहलोत कैंप के लिए आज का दिन निराशाजनक साबित हुआ है। राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है। जयपुर के फेयरमोंट होटल में गहलोत की विधायकों संग बैठक हाईकोर्ट के फैसले के बाद की है, जहां अदालत से इन्हें राहत नहीं मिली। पायलट कैंप की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। गहलोत को उम्मीद थी कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, लेकिन जैसे ही अदालत का फैसला आया, मुख्यमंत्री को पहली निराशाजनक खबर मिली। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में सबसे बड़ा फैसला ये किया कि विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर स्टे लगा दिया। पायलट समेत सभी 19 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया। पायलट कैंप ने कोर्ट से ये मांग की थी कि सदस्यता रद्द करने की ऐसी किसी भी कोशिश को रोका जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही है, वहां पहले सुनवाई खत्म हो जाए फिर सुनवाई करेंगे। अदालत का फैसला आने के कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों के साथ राजभवन मार्च की तैयारी कर ली। उससे पहले उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ गंभीर आरोप लगाए। हमारे कुछ साथी जो जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देखरेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए। वो साथी भी हो सकता है कि वहां छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखे हैं वहां पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सबके, परेशान है, कोई बीमार भी है वहां पर, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, टेलीफोन करें हम लोगों को, छुड़ाओ हमें यहाँ से, ये स्थिति बन गई है। उसकी परवाह केंद्र सरकार को नहीं है क्या? संख्या बल के गुणा भाग में गहलोत की कोशिश है कि सोमवार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। इसके लिए वो लगातार राज्यपाल से वक्त मांग रहे हैं, लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि कोरोना काल में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। इससे गहलोत का गुस्सा फूटा है। महामहिम राज्यपाल महोदय को हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में, राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ताजा सियासी संकट पर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने विधायकों के साथ होटल फेयरमोंट में बैठक की, उनसे राय मशविरा की। एक के बाद एक झटके से गहलोत गुस्से में है। ये गुस्सा कुर्सी पर मटराते संकट का है, लेकिन ये खेमा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। लिहाजा आज के हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार और स्पीकर दोनों सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो आज सुबह से लेकर अब तक का पूरा ये घटनाक्रम आपने देखा, लेकिन इस बीच हमारे पास बड़ी खबर राजभवन से भी है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से अकेले मिल रहे हैं, लेकिन विधायक धरने पर बैठे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि जो राजनीतिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता राजस्थान में लगातार चल रही है, आखिर ये सुलझेगी कब? क्योंकि अभी भी 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है जब अलग अलग खेमों में सरकार रिजॉर्ट्स में बैठी है। लेकिन आज की तस्वीर देखिए, हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजभवन में धरने पर बैठ गए हैं कांग्रेस के विधायक और वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। शरद, ये बताइए, राजभवन में जो तस्वीर इस वक्त है, मुख्यमंत्री अकेले मिल रहे हैं, कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हैं, ये परिस्थितियां किस दिशा में जा रही हैं? धरना तो चुनी हुई सरकार के लिहाज से कोई सलूशन, कोई हल नहीं है। देखिए, अंदर से लगातार ये तस्वीरें आ रही है, वी वांट जस्टिस, और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो चिल्ला रहे, नारेबाजी कर रहे हैं। इस तरह की आवाजें राजभवन से बाहर आ रही हैं। जैसा कि हम अंदेशा लगातार जता रहे थे कि राज्यपाल ने अपना मत बना लिया है कि फिलहाल हम विधानसभा का सत्र आउट नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए शो ऑफ स्ट्रेंथ होने जा रहा है राजभवन में, और यही हो रहा है। अंदर बैठे हैं कलराज मिश्र के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बाकी के मंत्री और विधायक, बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस। फिलहाल वहां पर राजभवन के सुरक्षाकर्मी पहुंचे हैं और विधायकों मंत्रियों को समझा रहे हैं कि इस तरह से आप लोग
नारेबाजी मत कीजिए, धरने पर मत बैठिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी रिक्वेस्ट की गई है कि जब बातचीत अंदर चल रही है तो इस तरह से कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का जो आचरण है वो शोभनीय नहीं है, लेकिन लगातार इस तरह से नारेबाजी गूंज रही है ये राजभवन के अंदर। वी वांट जस्टिस। कुल मिलाकर देखिए अशोक गहलोत के लिए अब करो या मरो का वक्त है। अशोक गहलोत के लिए वक्त है कि किसी भी तरह से होटल में बहुत ज्यादा दिन तक इंतजार हम नहीं करें और सदन के अंदर अपना बहुमत साबित करें। इसीलिए चाह रहे हैं कि सचिन गुट के विधायकों पर दबाव डालकर किसी तरह से एक बार विधानसभा का सत्र शुरू हो जाए तो उनमें से कुछ लोगों को बुलाया जाए, या नहीं भी आए तो अपने अपने पास जो 101 102 का आंकड़ा है उसके बदौलत सदन में बहुमत साबित कर 6 महीने तक आराम किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये स्ट्रेटेजी जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि सचिन पायलट ने भी भले ही वो जल्दीबाजी कर गए हो, विधायक उनके पास बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन उनके पास केंद्र सरकार और बीजेपी की ताकत है। कांग्रेस इस बात को समझती है, इसलिए इसको इन्हें लगता नहीं कि कहीं से ज्यादा राहत मिल पाएगी, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा के जरिए राहत की उम्मीद की जाए और किसी तरह से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। लेकिन अभी राज्यपाल ने कोई भी कुछ कमिट नहीं किया है कि हम विधानसभा का सत्र बुलाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल, तो मुश्किल की घड़ी इस वक्त अगर देखी जाए तो अशोक गहलोत के लिए यहां पर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अब लगातार शरद तस्वीरें हम राजभवन की दिखा रहे हैं, अंदर देखिए कुछ विधायक जो हैं वो अब वॉक भी कर रहे हैं, पहले धरने पर बैठे हुए से नजर आ रहे थे। लेकिन यहां पर शरद आपसे जानना चाहेंगे कि आगे अगर, क्योंकि पहले ही एक तरह से राज्यपाल जो है एक तरह से निर्देश दे चुके हैं, एक कह भी चुके हैं कि अभी ये संभव नहीं है विधानसभा का सत्र बुलाना, ऐसे में यहां पर कही जा रही थी बात राजभवन आने से पहले कि अगर यहां राज्यपाल नहीं बात मानते हैं तो विधायक बाहर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन यहां तो अंदर ही धरने पर बैठे हुए हैं, इस तरह की तस्वीरें भी आप दिखा चुके हैं शरद। बिल्कुल, जैसा कि अंदेशा हम लोग जता रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है और धरने पर बैठ सकते हैं विधायक, नारेबाजी हो सकती है, अंदर राज्यपाल का विरोध हो सकता है, ये ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। राजभवन के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं विधायक, जिस तरह से वहां हंगामा कर रहे हैं, निश्चित रूप से राज्यपाल कलराज मिश्र पर एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह से हंगामा हो रहा है। कुल मिलाकर ये कोशिश है अशोक गहलोत की कि किसी भी तरह से जल्दी राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कलराज मिश्रा इस मूड में है। शरद, आप तक आवाज पहुंच रही है? तस्वीरें आप देखिए जी शरद, सवाल आपसे मेरा सीधा सवाल ये है आपसे कि ये जो दबाव की टैक्टिक्स है, ये जो प्रेशर बनाया जा रहा है राजभवन के भीतर इस तरीके से धरना करके, ये प्रेशर कहां तक काम करेगा? क्योंकि राज्यपाल तो पहले ही अपना मन बना चुके होंगे कि सत्र बुलाया जाना है या फिर नहीं, तो अपने आप में एक तरीके से ये फजीहत ही हो रही है ना। आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप काम धाम छोड़कर पहले इतने दिन रिजॉर्ट में वक्त व्यतीत कर चुके हैं, अब यहां धरने पर बैठ गए हैं। फजीहत के लिए बचा क्या है? जिस तरह से कांग्रेस चौराहे पे खड़ी है, अब एक पार्टी का एक हिस्सा मानेसर बैठा है और दूसरा हिस्सा यहाँ पर बैठा है, तो फजीहत तो आप सही कर रही है पूरी हो गई, जो बाकी सही फजीहत है वो यहाँ पर हो रही है। क्योंकि आप सीधे सीधे अशोक गहलोत संवैधानिक संस्थाओं से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, अपना खींच जो है संवैधानिक संस्थाओं पर उतार रहे हैं। घर इनका टूटा है, बगावत इनके पार्टी के अंदर हुई है और चाह रहे हैं कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल के जरिए उनके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए। यही वजह है कि इस तरह से वो गुस्से में है, उनके गुस्से की एक बड़ी वजह यही मानी जा रही है और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो है विधायक जो है और मंत्री जो है नारेबाजी कर रहे हैं राजभवन के अंदर और लगातार जी। वो कह रहे हैं कि राज्यपाल सदन को आहूत करे, राज्यपाल सदन को बुलाएं और सदन में फैसला होना चाहिए। शरद, एक बात और बताइए, अगर मैं आपको थोड़ा सा लीगल पहलू की तरफ लेके चलूं, कानूनी पहलू की तरफ, तो मदन दिलावर की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है और बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है, जिस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और सोमवार तक इस पर फैसला भी आएगा। ये कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है मौजूदा परिस्थिति में अशोक गहलोत के लिए? देखिए, अशोक गहलोत के लिए वक्त कम है। सबसे बड़ी समस्या अशोक गहलोत के साथ यह है कि उनके पास वक्त कम है
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का वो इंतजार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है वो कह रहा है कि ये संवैधानिक पहलू है, इस पर खंडपीठ का गठन हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। ऐसे में अगर इस तरह से वक्त लगेगा तो लंबा वक्त लगेगा, और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर तय करेंगे कि सुनवाई कैसे हो, यानी कि काफी लंबा वक्त लग सकता है। यही वक्त की कमी अशोक गहलोत के पास है। अशोक गहलोत के पास इतना वक्त नहीं है कि अपने विधायकों को लंबे समय तक होटल में बंद करके रख सके। शरद, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजभवन की, जहां पर बैठे हुए हैं धरने पर विधायक, और देखिए किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। हाउस बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं बार बार ये विधायक, और आपको हम बता दें ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं, उस पार्क की तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस के सभी विधायकों को बिठाया गया है अंदर, यानी कि राजभवन के अंदर। कलराज मिश्र राज्यपाल और साथ ही साथ उनके साथ अशोक गहलोत इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं लगातार। अशोक गहलोत जाहिर सी बात है इस वक्त उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो सत्र बुलाए जाने के लिए कहें, आहूत करने के लिए वो कहें। इसी में कम से कम अशोक गहलोत अपनी भलाई यहां पर देख रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम बाई हुआ है सचिन पायलट के लिए भले ही बढ़िया है, लेकिन ये जो तस्वीरें भी अपने आप में, देखिए जिस तरह से ये तमाम विधायक यहां पर बैठ गए हैं धरने में, और राजभवन के अंदर जो नारेबाजी हो रही है, राजनीति के इतिहास में पहली बार इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। अपने आप में इस तरह का दृश्य जो है ये अजीब विडंबना भी है, और ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि इस तरह के दृश्य को देखना भी पड़ रहा है कि जब राज्यपाल के निर्देश को भी, यहां तक कि हाईकोर्ट के भी निर्देश के बाद इंतजार नहीं कर सके जो चुनी हुई सरकार है, और यहां पर पहुंच कर देखिए अशोक गहलोत यहां पर नजर आ रहे थे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आपका संविधान जिंदाबाद। मौसमी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मौसमी, ये देखिए यहां पर विधायकों ने धरना करना शुरू कर दिया है, और अपने आप में ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे अब एक छटपटाहट है गहलोत कैंप में कि वो कहीं ना कहीं सत्र बुलाए जाने की जो मांग कर रहे हैं वो मांग मान ली जाए। हालांकि कलराज मिश्र खुद शायद बाहर आए और उन्होंने सबको शांत करने की यहां पर गुजारिश भी की, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि क्या गहलोत कैंप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता इन तमाम बातों का। इंतज़ार कैसे करता, आप देखिए कि गहलोत को भी, अशोक गहलोत साहब को और उनके कैंप को ये लग रहा है कि पानी सर से लगातार ऊपर बह रहा है, और समय बहुत कम है। कहीं ना कहीं ये जिस तरह से अशोक गहलोत ने कहा है कि उनके पास बहुमत है, उनको भी पता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है और किस तरह से विधायक जो है उन पर कितना विश्वास वो कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जो पायलट खेमे के हैं। तो बहरहाल आप देखिए गवर्नर हाउस के बाहर हम खड़े हैं, भीतर वहाँ मैदान में धरना बैठ जो है लगातार तमाम विधायक एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर साहब जैसे स्कूल के हेडमास्टर की तरह बाहर आते हैं, उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको कि कलराज मिश्र भी खुद एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ है, मंझे हुए राजनेता है, और लंबी पारी उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासी। हालांकि देखिए राज्यपाल इससे पहले ये कह चुके हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए अभी समय नहीं सही नहीं है क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है और कई विधायक ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन राजनीतिक संकट लगातार वहां बना हुआ है। और मुख्यमंत्री गहलोत ने जो कहा कि अगर सत्र नहीं बुलाया गया तो फिर राजभवन का घेराव भी हो सकता है, तस्वीर आपके सामने ही है। लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। ट्रेड थ्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है, मेरे साथ मेरी दोनों सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी कंडवाल मौजूद है। अब हम
इस हिस्से में बुलेटिन के बात करेंगे। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। जी हाँ, कानपुर में एक लैब असिस्टेंट के अपहरण और हत्या के बाद नेहा बवाल मच गया है और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ गया। बिल्कुल, और इस शख्स के परिवार वालों से मैंने बात की तब ये मालूम चला कि किस तरीके से जगह जगह पुलिस प्रशासन सुस्त और लचर नजर आया। यही वजह थी कि एक परिवार के बेटे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसी के जानने वालों ने अपहरण किया था। 30 लाख की फिरौती की मांग की गई थी, फिरौती भी दे दी गई, ये रकम वापस भी नहीं मिली है अब तक और लाश भी परिवार वालों के सुपुर्द नहीं की गई है। मीनाक्षी, देखिए नया, जिस बात का जिक्र आपने किया उस इंटरव्यू में परिवार की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। जिस पुलिस ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो उनको सुरक्षा देंगे, कानून का पालन होगा, वो पुलिस ये कह रही है कि उनका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ और इसलिए इस शख्स को बचाया नहीं जा सका। लेकिन बड़े सवालों के जवाब यूपी की पुलिस को देने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी ही घटना कुछ दिन पहले पत्रकार विक्रम जोशी की मौत के समय में होती है। उसके बाद दूसरी घटना ये सामने आती है जहां पर आम लोगों को सरेआम निशाना बनाया जाता है और बेखौफ अपराधी गोली मारकर फरार हो जाते हैं। कानपुर में बिकरू हत्याकांड के बीच ही कानपुर के बर्रा से एक खबर आती है जहां एक लैब टेक्नीशियन का पहले अपहरण होता है। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती जुटाता है। 30 लाख की फिरौती भी दे दी जाती है लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती, उसकी हत्या हो जाती है। पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि क्या चीज होती है जाम जनता, जिसके साथ धोखा करते हैं वो। एक महीने तक सोती रही पुलिस। जूम है आप लोगों के पास ना? क्यों नहीं आई? जूम है ना? क्यों नहीं आई? आज तो गैप में आ जा। मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको, दे दिया, हमें बड़ा भरोसा था। जिसे आप सुन रहे थे वो पीड़ित की बहन है जो पुलिस को भाई की मौत का जिम्मेदार बता रही है। पुलिस क्या करती रही? खतरा भर कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? इस लैब में संजीत यादव काम करता था। पुलिस के मुताबिक अपहरण की साजिश में संजीत के ही कुछ दोस्त शामिल थे। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया। दो आरोपी महिलाओं में से भी एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है वहां पर हमारी फ्लड कंपनी पीएसी की लगी हुई है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। पुलिस के मुताबिक 26 जून को अपहरण संजीत ने भागने की कोशिश की थी, तभी अपहरणकर्ताओं ने गला दबाकर हत्या की और 27 जून को संजीत का शव नहर में फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वो फिरौती मिलने के बाद संजीत को छोड़ने वाले थे लेकिन संजीत ने भागने की कोशिश की, इसीलिए मार डाला। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही एकदम साफ नजर आ रही है लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल SHO बर्रा को निलंबित कर दिया गया। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। उस परिवार के दर्द को जरा समझिए और ये सोचिए कि कैसे पुलिस प्रशासन की नाकामी और लापरवाही की वजह से उसने 30 लाख रुपए भी खो दिए, पुलिस उस शख्स की जान भी नहीं बचा पाई। कुछ देर पहले मैंने इस परिवार से बात की और उनका दर्द जो सामने छलक कर आया वो सुनिए। और इस वक्त संजीत यादव की बहन और माँ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं आप दोनों के साथ हैं। किस तरीके से आपने फिरौती देने के बावजूद अपना खो दिया,
लेकिन ये बताइए यहाँ पर रुचि कि एफआईआर दर्ज कराने पर, शिकायत दर्ज कराने पर और उसके बाद संजीत यादव की मौत की खबर तक पुलिस की क्या भूमिका रही, क्योंकि उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उस पर संशय बना हुआ है कि कैसे पुलिस ने कार्रवाई की इस पूरे मामले में। पुलिस शुरुआत से लापरवाही करती रही है, अभी भी मेरे भाई का ना बैग मिला है उनको, ना उनको बैग मिला है, ना मेरे भाई का मोबाइल मिला है, ना डेड बॉडी मिली है। हम कहते मेरा भाई जिस हाल में है, बॉडी है उसकी, हमें बॉडी तो दिखा दो, कम से कम अपने भाई के राखी तो बांध लें, एक लास्ट टाइम अपने भाई की कलाई पे राखी तो बांध लें, जिंदा तो ला ना सके। रुचि, जब 30 लाख की फिरौती की डिमांड की गई, तब पुलिस ने आपसे या फिर आपके परिवार से क्या कहा कि फिरौती दे दीजिए, उसी दौरान हम इन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ? जी, पहले रंजीत राय सर ने कहा, फिर मैं साउथ मैडम के पास गई थी, पहले भी गई थी, और जिस दिन फिरौती जानी थी उसके एक दिन पहले मैं गई थी। मैम ने कहा था जाइए आप व्यवस्था करिए, जाके पैसा भी आपका नहीं जाएगा, बच्चा हाथ लग जाएगा, पैसे तो आ ही जाएंगे। उन्हीं के कहने पर हमने फिरौती की रकम दी थी। तो लापरवाही हुई, जब आपने रकम भी दे दी, आपके भाई की मौत की खबर आई, आपको क्या लगा कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से आपके भाई की जान चली गई? उसे बचाया जा सकता था, वक्त पर एक्शन लिया जाता तो? जी, पुलिस की लापरवाही रही, मैं सबके पास गई, आईडीजी, डीआईजी, सबके संज्ञान में था, लेकिन सब ने लापरवाही की। मैं सबके ऑफिस गई, किसी ने मेरे मामले को, मेरी भाई की जान को किसी ने शीघ्रता से नहीं ली, उनके सब लोगों के लिए छोटी सी बात थी, मेरे माँ बाप का एक लौता सहारा था, उन सब लोगों के लिए एक छोटी सी बात थी। इस परिवार के दर्द के बाद अब बात करेंगे देश के अन्य राज्यों में जो दर्द महसूस किया जा रहा है बाढ़ की वजह से, क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ से कई जगहों पर लोग इस कदर प्रभावित हो रहे हैं कि वहां पर घर बार और अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें आगे विस्थापित होने को मजबूर होना पड़ा है। मीनाक्षी, बिहार के गोपालगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में बाढ़ का कहर है। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी रौद्र रूप दिखा रही है और परेशानी इस वजह से भी है क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है वो राप्ती नदी में सैलाब ले आया है। श्वेता, और ये सैलाब न सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से बरसाती नदियों में तेज धारा बह रही है और यही तेज धार जिंदगी पर बनाई। गोपालगंज में गंडक नदी का पारा गर्म हुआ तो बहा ले गया तटबंध, तेज धार से सारन बांध टूट गया। बरौली के सिकटिया गांव के समीप रिंग बांध टूट गया, देखते देखते 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। गंडक नदी की ताकत के सामने पूर्वी चंपारण में तटबंध ढेर हो गया, करीब 10 फीट चौड़ाई का हिस्सा पानी बहा ले गई, जिसके बाद तो लोगों में दहशत फैल गई। बिगड़े हालात के बीच चंपारण में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। कुदरत का रौद्र रूप सीतामढ़ी में जानलेवा साबित हुआ। पिपराही और तिरियानी में हुए हादसे में 8 घंटे में ही 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के श्रावस्ती में 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। उधर नेपाल से पानी छोड़ा गया तो राप्ती नदी का बाहुबल बढ़ गया। इसी ताकत के जोर पर दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। जान दांव पर लगाकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीच बाजार नदी बहने लगी। देखिए ये शख्स अपनी बाइक बचाने के लिए कितनी मशक्कत कर रहा है, लेकिन तेज धार बाइक को बहाने को आमादा थी। वहीं छिंदवाड़ा में पिकनिक मनाना 2 लड़कियों के लिए महंगा पड़ गया।
सेल्फी के शौक में नदी के धार के बीच फंस गई दोनों लड़कियां। उन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, आखिरकार उन्हें किसी तरह बचाया जा सका। असम के डिब्रूगढ़ का ये नजारा देखिए। मचान डूब गए, घर डूब गए, रास्ते डूब गए, चारों तरफ बाढ़ का पानी। इंसान के साथ साथ जानवरों के लिए भी ये बाढ़ काल बनकर टूटी है। तेलंगाना के विकाराबाद में हालात बदतर हो रहे हैं। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां, वहां अब बाढ़ का पानी दौड़ने लगा है। रास्ते पर सैलाब ने कब्जा कर लिया है। कच्चे मकानों में पानी घुस गया, आंगन में पानी, गली में पानी, नाली में पानी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। कुदरत की ये तबाही वैसे कोई पहली बार नहीं है। हर साल इन जगहों पर बारिश और बाढ़ का कहर टूटता है, लेकिन हालात नहीं सुधरते। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। फिलहाल तो लोगों को राहत देने की सख्त जरूरत है। गोपालगंज से सुनील तिवारी, पूर्वी चंपारण से सुजीत झा, सीहोर से नावे जाफरी के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ और बारिश का दंश बिहार के लोग कई तरह से झेल रहे हैं। एक तरफ जान बचाने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ बाढ़ के अटैक से कहीं पर रास्ते टूट रहे हैं तो कहीं पुल तो कहीं तटबंध। गोपालगंज में सारन बांध को बाढ़ बहा ले गया। नेहा, बिल्कुल, और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आप जमीनी हकीकत से वाकिफ हो सकें। हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, कहा जाता है प्रशासन की ओर से कि हमने तमाम इंतजाम कर लिए हैं, तटबंध बना दिए गए हैं, लेकिन अगर इंतजामों के बावजूद ये हाल है लोगों का तो वाकई सरकार और प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। तबाही की जैसी आशंका थी अब दिखने लगी है। देखिए, जिस बर्बादी का डर था वही हो रहा है। टूट गया, देखिए कैसे टूट रहा है। देखिए, देखिए मकान बांध टूट गया है। अपना अपना सामान शिफ्ट कीजिए, टूट गया मकान बांध। ये बिहार के गोपालगंज जिले का सारण बांध है। जब तक ये सही सलामत था तब तक पूरा गांव गुलजार था, लेकिन जैसे ही मजबूत माने जाने वाला तटबंध बेदम हुआ, इसके आसपास के पूरे इलाके पर मानो आफत टूट पड़ी हो। कम से कम 10,000 से ऊपर लोगों का प्रभावित हुए हैं देवापुर, खाली देवापुर, केवल देवापुर। और ये मार्च से काम लगा है बनने के लिए। दो टोकरी माटी, दो टोकरी यहाँ रख दीजिए, दो टोकरी वहाँ रख दीजिए, कोई देखने वाला नहीं। मैं सब कमीशन से और घुसखोरी और कमीशन खोरी से लिए यहाँ काम हो रहा। गंडक नदी पर सारण बांध बनाया गया है, लेकिन सैलाब का दबाव ये तटबंध नहीं झेल पाया। गोपालगंज में दो जगहों पर यह बांध टूट गया है, माझा और बरौली के देवापुर में लहरों ने इसे बेदम कर दिया। अब सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। आधी रात को बांध टूटने के बाद से ही लोग दहशत में हैं। टूट गया, देखिए कैसे टूट रहा है। देखिए, देखिए मकान बांध टूट गया है। अपना अपना सामान शिफ्ट कीजिए, टूट गया मकान बांध। कमर भर पानी भर चुका है और लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है। डरे सहमे ग्रामीण अब सुरक्षित जगह पर पलायन करने लगे हैं। हमने जिला पदाधिकारी से कहा है कि एनडीआरएफ की टीम शीघ्र इस गांव में भेजिए, सभी का रेस्क्यू कराइए। जितने लोग बांधों पर गांव के अंदर इस बुरे तरीके से इस भारी मात्रा में पानी में जो फंसे हैं उनको निकालकर उनका जान बचाइए। हालात ये हैं कि कई गांव इस बाढ़ से घिर चुके हैं। इससे 10,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। गोपालगंज में गंडक नदी पर जो संकट मंडराया है, वैसी ही आफत इसी नदी पर मोतिहारी जिले में भी दिखी। संग्रामपुर प्रखंड में गंडक पर बना बांध टूट गया। 10 फीट की चौड़ाई में यह बांध बह गया है।
बांध के टूटने से आसपास के इलाके जलमग्न होने लगे हैं। हालात बिगड़ने के बाद संग्रामपुर इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया। समस्तीपुर का ये हाल देखिए, रेलवे पुल के नीचे लगातार बढ़ते जलस्तर से खतरा गहराने लगा है। हायाघाट स्टेशन के करीब कोशी नदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने समस्तीपुर दरभंगा रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद करने का फैसला किया है। कई ट्रेनों को डायवर्ट भी किया जा चुका है। दरभंगा में भी हालात बेहद गंभीर हैं। वहां कई गांवों में बागमती नदी का कहर टूटा है। बाढ़ का पानी स्कूल और सड़कों पर राज कर रहा है। मुख्य सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। रेलवे पुल के नीचे पटरियों के काफी करीब तक पानी भर गया है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, मोतिहारी से सचिन कुमार पांडे, गोपालगंज से सुनील तिवारी, समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में, सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस के समन का कंगना रनौत ने जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि महामारी की वजह से उनका मुंबई आना मुमकिन नहीं है। पुलिस से उन्होंने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी को मनाली भेजकर उनका बयान दर्ज कर लिया जाए। आपने देखा होगा कि बीते दिनों लगातार कंगना रनौत अलग अलग वीडियोस के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए इस बात को उठा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जो है वो एक निष्पक्ष जांच इस मामले की हो और इस लिहाज से भी जांच होगी किन वजहों ने सुशांत को उकसाया सुसाइड करने के लिए। लेकिन पुलिस ने जब उन्हें समन भेजा सवाल जवाब के लिए तो उनका ये कहना है कि मुंबई वो अभी नहीं आ सकती, लिहाजा मनाली में अगर किसी को भेजकर पूछताछ हो पाए तो बेहतर है। कंगना रनौत जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफी मुखर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।